कैसे हो दोस्तों। तो सर बहुत इंतजार था इस वीडियो का, मुझे भी बड़ा इंतजार था। बहुत अच्छे से मैंने आपका स्टडी प्लान बनाया है और आज एक कसम खाएंगे। पहले तो देखो, प्लान बने रह जाते हैं, पहली बात तो आप ये समझ लो। दुनिया भर के प्लान बनते हैं, स्टडी प्लान ये है ये है ये है, ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, पर मन नहीं करता हमारा करने का। सर मन नहीं करता, क्यों नहीं करता मन? क्योंकि डर नहीं है सर। मन तो पता है आपको, एक एग्जांपल में बहुत अच्छे मैं आपको बताऊंगा स्टडी प्लान। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले एक बात को। हम 12वीं में थे और 12वीं में जब हमने स्टार्टिंग करी थी, 12वीं में तो बड़ा मजा आ रहा था कि 12वीं में आए हैं पढ़ते हैं, चलो स्टार्टिंग करते हैं पढ़ने की, और लगे थे। जब 12वीं के एक दो महीने निकल गए तो निकलने के बाद हमारी पढ़ाई भी तुम डिक्रीज होते चले गए। और जब हमारी पढ़ाई स्टार्ट कब हुई, पढ़ाई एक्चुअल स्टार्ट हुई जनवरी में जब पेपर आने वाले। देखो सर, हमें ना डर है, डर हमारे को एक डर है इस चीज का कि यार पेपर आने वाले हैं पढ़ लेते हैं। और आज ही वो डर सिखता रहा है आपको, क्योंकि पेपर आने वाले हैं पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10 तारीख से पेपर है फाउंडेशन के। अगर फेल हो गए ना तो अगले 6 महीने हैं, जून में देंगे सीधा, तो 6 महीने घर पे बैठना और एक ही चीज पढ़ना, आप समझ सकते हो सर। इसलिए ज्यादा पैनिक ना हो, ज्यादा सोचे ना किसी बारे में, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कॉपी पेन लेकर आराम से बैठ जाओ। मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये पढ़ो ये पढ़ो, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, अब वो टाइम आपका नहीं है सर, वो कोर्स कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। अब टाइम है रिवीजन का, और रिवीजन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा आपको। जो जो मैंने बताया वैसे करना है, कॉपी पेन लो, और जो मैं आज आपको स्टडी प्लान दे रहा हूं ये आपको कहीं भी जाकर चिपका देना है, नहीं चिपकाना मत चिपकाओ मेरी तरफ से फालतू का, बट ध्यान से इस प्लान को फोकस करें सर। अगर आज हमने यहां पर फोकस नहीं करा ना डियर, तो हमारे 6 महीने और पढ़ना पड़ेगा, आप ये समझे मेरी बात को। और नहीं चाहते हम 6 महीने दोबारा पढ़ना। देखो फेल होने का जो डर है ना वो सबको सताता है, इसलिए बातों को सुनो, जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, देखो हमारा सर अभी मैंने 1 महीना हुआ है पढ़ने को। कोई बच्चा ऐसा कह रहा है कि मुझे अभी 1 महीना हुआ है पढ़ने को, मेरा कोर्स कैसे होगा? सर दो ऑप्शन है, या तो छोड़ दो अटैम या जून में दो। और छोड़ना क्यों है सर, मैं आपको एक चीज एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता हूं इस बात को लेकर, कि अटैम नहीं छोड़ो फाउंडेशन का खासकर। क्यों? क्योंकि जब आप CMA फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे, क्लियर करने के बाद आगे जब इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो वहां से अटेम गिनने चालू होते हैं सर। आपको ये पता होना चाहिए कि अटेम मतलब एक बार, अगर मान लो कि इंटर फाउंडेशन क्लियर हुआ, फाउंडेशन 10 बार में क्लियर हो फर्क नहीं पड़ता उससे, पूरे CMA एक बार में क्लियर हो गया पर जो एंट्रेंस था वो 3 बार में क्लियर हुआ है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको फाउंडेशन में अपना स्टूडेंट मानता ही नहीं। क्या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला? नहीं मिला सर। रजिस्ट्रेशन नंबर पता कब मिलेगा सर? जब आप फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे तब आप एक आपको नंबर मिलेगा जो आपको पूरे फाइनल तक चलेगा, ठीक है सर। तो इंस्टीट्यूट आपको स्टूडेंट नहीं मानता तो आपका वो अटेम्प्ट भी नहीं गिनेगा। कि हम कहेंगे भाई CMA हमें एक बारी में क्लियर करनी है और हम एक बारी में करके दिखाएंगे, सर कर लोगे आराम से, मैंने भी एक बारी में निकाला है हर चीज और होपफुल इस बार भी एक बारी में निकल जाएगा। चलो मेरी बात छोड़ो, मैं आपकी बात करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल आपका कुछ हो। जो मेरी मेरे से पढ़े हैं पूरे यूट्यूब पर, मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनसे कह रहा हूं कि सर जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो, ठीक है सर। तो पहले सबसे पहले कॉपी पेन लो, स्टडी प्लान सर बने रह जाते हैं कोई फॉलो नहीं करता, डर बिटाओ अपने दिमाग में। ऐसा करो कि अगर फेल हो गए ना सर, अगर फेल हो गए ना तो सर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा सर, ये डर ला रहा हूं आपके अंदर कि अगर आप फेल हो गए ना, ये बात याद रखना सर, 6 महीने दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आज ही पढ़ लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं कि फेल होने का मौका नहीं मिलेगा। 75% रिजल्ट आता है फाउंडेशन का, 75% किसी का नहीं आया आज तक, ना CA का ना CS का, 75% रिजल्ट आता है। मतलब 100 में से अगर 1000 बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 750 बच्चे पास हो जाएंगे। पहले कितना आता था जब मैंने दिया था अपना अटेम्प्ट, तो पहले जब कितना आता था सर पता है आपको? पहले आता था 9% रिजल्ट। तो सोचो सर आपके लिए इतना बेनिफिट है कि आप 75% रिजल्ट में एक्वायर कर सकते हो। तो घबराओ नहीं, कॉपी पेन लो, स्टडी प्लान बनाओ 2019 वालों का, जून वाले,
आप भी देख लो, क्योंकि आपको भी जून में ऐसे ही करना है, ठीक है सर। बार बार स्टडी प्लान नहीं बनेगा जून, क्योंकि ये स्टडी प्लान ना हर अटेम्प्ट के लिए होगा। क्यों होगा सर अटेम्प्ट के लिए? रीजन बीइंग, ये स्टडी मटेरियल में मैं कुछ बुक कर लूंगा भी नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वैसा करना सर। 100% पास हो जाओगे अगर आपने पीछे का ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टडी प्लान। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दिन कितने बचे हैं, मेन बात हमारा दिन कितने बचे हैं। तो मुझसे प्रॉमिस करो सर, आज हम ये स्टडी मटेरियल मतलब ये स्टडी प्लान बिल्कुल फोकस करेंगे। फ्री का कुछ नहीं होता सर, फ्री फ्री मत देखे, जहां पैसे लगते हैं वहां पढ़ोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्री में हो तब भी हम पढ़ेंगे अच्छे से सर, ठीक है। ध्यान समझे कि हमारे पास आज 25 तारीख है, 25 हमारे पास 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक, 9 को नहीं लिया क्योंकि 10 को पेपर था, तो 9 को वो पढ़ोगे जो पेपर में आएगा, इसलिए 9 तारीख नहीं ली। ध्यान जरूर, मैं आपको सिर्फ 10 दिन का प्लान दे रहा हूँ। कितने दिन का प्लान दूंगा सर? सिर्फ 10 दिन का। तो 10 दिन में यहां से गिनता हूं, 8 दिन तो ये हो गए और 2 दिन ये हो गए 29। मेरा प्लान यहां से चलेगा, मेरा प्लान सर यहां से चलेगा 10 दिन का। अब आपके पास 3 दिन बचे, 3 दिन बचे हैं। इस 3 दिन में आपको खुद कोर्स कंप्लीट करना है, जितना हो गया कर लो, जितना नहीं हुआ छोड़ दो, जैसे मैंने बताया था वैसे कर लो। खुद कोर्स कंप्लीट करना है इस 10 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। हो गया, अच्छी बात है, रिवीजन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, और करो रिवीजन। ये 3 दिन आपके नाम के, ये 3 दिन आपको दिए मैंने। अब 29 तारीख से ये माइंड में सेट कर लेना जब सुबह उठोगे कि मुझे सर का स्टडी प्लान फोकस करना है, बस 10 दिन में सर की बात मानकर कर लूंगा अच्छे से, ठीक है सर। तो ध्यान से सुने बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं और आगे बढ़कर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि स्टडी प्लान पे फोकस कैसे आपको करनी है स्टडी, क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर सीखते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ 3 दिन दिए, जो आपको मजे करने मजे कर लो, घूमना है घूम लो, जो करना है वो बोल लो। बट सर इसके बाद 29 के बाद मैं आपको कैसे करना है वो देख बताऊंगा। तो सबसे पहले सर एक काम करो आप, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो करना पहले आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, और इंस्टीट्यूट की साइट पे जाकर, मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, अब मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो में बताया था कि कैसे इंस्टीट्यूट की साइट पे जाकर डाउनलोड करते हैं। इंस्टीट्यूट की साइट पे जाए सर, और साइट पे गूगल पे लिखना, गूगल पे लिखना CMA ICMAI ऐसे लिखकर, और साइड में लिख देना स्टूडेंट। तो भैया स्टूडेंट पहला ही जो आ रहा होगा ना, उस पर क्लिक करके स्टूडेंट वाला पोर्टल खुल जाएगा। वहां पर होंगे मॉक टेस्ट पेपर, क्या होंगे सर? मॉक टेस्ट पेपर वहां पर होंगे सर, मॉक टेस्ट पेपर। वहां पर क्वेश्चन पेपर भी होंगे, क्या होंगे सर? क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर होंगे सर। ध्यान सुनना, पहले तो ये सारे के सारे कौन से, मैं आपको बताता हूं, 2019 का दिसंबर अटेम्प्ट के दो होंगे, दो ये हो गए। मॉक टेस्ट पेपर दो इशू होते हैं सर, दो एक अटेम्प्ट में दो इशू होते हैं। तो दिसंबर वाला जो अभी टाइम दे रहे हो उसमें दो आएंगे, ठीक है, ये डाउनलोड करना। फोटोकॉपी ना कराए, पैसे बर्बाद ना करें, फोन आपके पास होगा अगर नहीं है तभी आपको करानी है फोटोकॉपी, अदरवाइज मत कराना, ठीक है, पैसे बर्बाद मत करो। दूसरा जून, जून मतलब जून जो 19 अभी जो गया है उसके दो पेपर होंगे, कितना हो गए? चार। फिर आपके पास दिसंबर 2018 का, दिसंबर 18 का दो पेपर और होंगे, फिर जून 18 का दो पेपर, फिर दिसंबर 17 का दो पेपर, और फिर जून 17 का दो पेपर। एक सब्जेक्ट के 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 मतलब एक सब्जेक्ट के 12 पेपर आपको ढूंढने हैं, 19, 18 और 2017 मॉक टेस्ट पेपर, एक सब्जेक्ट के 12 पेपर मॉक टेस्ट पेपर वो आपको देखने हैं, ठीक है सर। ध्यान से देखें, अब आपको क्या करना है, इनको डाउनलोड करना है, चाहे वो चारों सब्जेक्ट का, मतलब एमटीबी क्या करना है, चारों सब्जेक्ट का डाउनलोड कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट का 12 बार 48 पेपर आपके पास होंगे अलग से। ये जो 3 दिन मैं आपको छोड़ रहा हूँ ना, 28, 29 यही काम करना आपको 3 दिन में। या तो फोटोकॉपी करा लो, मत कराओ फोटोकॉपी, ज्यादा पैसे लग जाएंगे खाम खा के, या तो आप फोन में एक फोल्डर बनाओ बहुत बढ़िया सा CMA MTP नाम का, MTP के चार पेपर यहाँ पर लिखो, चार फोल्डर बनाओ उसके अंदर, और चारों फोल्डर के अंदर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, पूरी बात सुनो, चार फोल्डर के अंदर आप चारों पेपर का नाम दो, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आपका है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट जेवीए अकाउंट लॉ और मैथ, ठीक है, चारों पेपर का जैसे पेपर वाइज होता है वैसे दो,
उसके अंदर जितने भी पहले एक बार पूरे डाउनलोड करो एमटीपी उसके, कहां तक करने 17 से आगे मत बढ़ना, मैंने 17 बोला है तो 17, ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाओ सर, 12 बोले हैं तो सिर्फ 12 पेपर करने हैं, ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी बात ध्यान सुनना, इसके बाद आपको जो करना है पहले तो आप डाउनलोड करना और सारे पेपर डाउनलोड करके यहां डाल देना, ठीक है। ये तो एमटीपी वाला फोल्डर हो गया, एक फोल्डर और बनाना उसमें बोलना सीएमए स्कैनर, स्कैनर मतलब पास्ट पेपर, उसके अंदर मेरे को क्या करना, उसमें भी 3 पेपर डाउनलोड करना है, इसमें 3 × 6 2019 का पूरा एक साल के 2 पेपर होते, 2 अटेम्प्ट होते, जून दिसंबर 18-19 का, जून दिसंबर और ये दोनों, बस 4 पेपर डाउनलोड करना, ज्यादा मत करना सर, 17 का मत डाउनलोड करना, पुराना हो जाएगा पेपर, ठीक है सर। ये फिर एमटीपी 17 सब उसका अलग चीज है, वो अलग चीज है, इसलिए 17 को एमटीपी बोला है, पर पेपर मत करना, अगर करना है तो अच्छी बात है कर लेना, ठीक है, पर इस 17 से आगे मत जाना। तो 2019 के 2 पेपर, 2018 के 2 पेपर और 2017 के 2 पेपर, ठीक है सर, कितने हो गए 6 पेपर और 12 × 6 = 18 पेपर हो गए टोटल, क्लियर है सर। अब डाउनलोड करके अलग फोल्डर में डाल देना। इसके बाद अब आपको क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को नाइट स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह मॉर्निंग में उठकर पढ़ते हैं, मैंने दोनों को ध्यान में नहीं रखा, हट जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ो, बहुत पढ़ लिया रात में, बहुत पढ़ लिया जून में, सॉरी जो रात को पढ़ा सुबह पढ़ा है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ो, ना रात है इसमें ना सुबह है, सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं सर, मॉर्निंग की, मॉर्निंग सुबह आप जब भी उठो, जब भी उठो पढ़ाई करने 9 बजे बैठोगे सुबह एएम अप टू 9 से 10 एक घंटा, 10 से 11 और 11 से 11:30, सर 9 से 11:30 ढाई घंटे इधर बैठना आपको पढ़ाई पे, ये 10 दिन है सर, यही 10 दिन है पढ़ाई पे अभी बैठना है। 11:30 तक आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद अब आपको जो बैठना है वो बैठना है आराम से 2 बजे 2 PM 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4:30, ठीक है सर, 9 से 11:30, 2 से 4:30, फिर आपको बैठना है भाई 6 से 6 PM टू 6 से शाम को 6 से 7, 7 से 8, 8 से 8:30 बजे, ठीक है सर। 8:30 बजे के बाद आपको बैठना है 9 से 9 से 11:30 बस, ठीक है सर। सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम तो 9 बजे सो जाते हैं, ठीक है जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या करना, जो बच्चे 9 बजे सुबह रात को जल्दी सो जाते हैं, तो 11:30 के बाद आपको पढ़ना नहीं है। जो बच्चे रात को 12-1 बजे सोते हैं, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे अंदर कुछ जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं 1-1 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, क्या मतलब किससे हो रही है भाई बात है, कौन मिल गई भाई है मुझे हो रही जिंदगी के फुल, ठीक है कोई बात नहीं चलता है इतना, अब तो बड़े हो गए हम, चलो भाई जिंदगी मुझे तुम ही ले रहे हो हैं। सर ध्यान सुनना, अब कुछ ऐसे कहते हैं कि सर हम ना सुबह मॉर्निंग में 9 बजे सो जाते हैं और 9 बजे के बाद हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, अब तो 8:30 हम लास्ट पढ़ सकते हैं, खाना वाना खा के हमें आती है नींद, पेट भरता है बढ़िया से, कोई बात नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो रात को नाइट में लेट तक सोते हैं और 11 बजे तक सो जाना, सुन लो अच्छे से 11 बजे तक सो जाना भैया, अगर आप बात मान लेना मेरी खामखा बेमतलब कि आप रात को उठते हो बातें बातें कम करो यार थोड़ी, और क्या बाबू सोना कम करो है ना, और अच्छे से पहले पढ़ लो 10 दिन है उसके बाद करते रहना आराम से बाबू सोना, ठीक है सर, ठीक है सर, तो आराम से पढ़ लो। और अच्छा एक बच्चा कहता है सर हम तो सिंगल है, तो कोई बात नहीं सर अपना भी टाइम आएगा है ना, अपना भी टाइम आएगा, ठीक है भाई चलो कोई नहीं। अब थोड़ा देखो सर हम ऐसे टीचर हैं सर, मैं ऐसा टीचर हूँ और मेरे को बच्चों से मैं मजाक भी सही है, मजाक भी चल लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं ना, दोनों चीजें हो जाती है, ठीक है चलो भाई। अब मैं बात कर रहा था कि सर उन बच्चों के लिए जो
11 बजे के 9 बजे सो जाते हैं, तो उनको ऐसा करना, सर आप जल्दी उठ जाते हो ना मॉर्निंग में, तो याला शेड्यूल हटाकर आप मॉर्निंग में लगा देना, 9 से 11 से हटाकर आप 4 से लगा लेना मॉर्निंग। तो जो भी आपको है, बस आपको ये शेड्यूल कहीं ना कहीं फिक्स करना है, ठीक है सर, अपने हिसाब से कि जो आपको ये टाइम लगे। तो मतलब आपके पास कितने घंटे हो गए, ढाई 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 घंटे। देखो मैं आपको बता दूं कितना अच्छा मैंने शेड्यूल बना रखा है सर। देखो 11:30 तक तो मैंने यहाँ पर लिया, आराम से पढ़ा 9 से 11:30, एक फ्रेश माइंड था, 9 से 11:30 पढ़ा मैंने। और इसमें आप हमेशा इस टाइम में आप हमेशा थ्योरी पढ़ोगे, 9 से 11:30 वाला टाइम में आप हमेशा थ्योरी पढ़ोगे, क्लियर। जब 2 बज जाते हैं, अच्छा 9 से 11:30 हमने पढ़ा, और 9 से 11:30 पढ़ने के बाद हमें 11:30 से लेकर 12:30, 12:30 से 1, 1:30, 1:30 से 2, जो भी 1:30 से कितना टाइम, बहुत टाइम बच गया हमारे पास, 2-3 घंटे बच गए, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करें, बस जो मर्जी करो यार, मुझे क्या बताओगे, ठीक है, नेटफ्लिक्स देखो, प्राइम देखो, जो मर्जी मूवी वूवी देखो, मजे करो, जिंदगी के मजे करने चाहिए भैया, पढ़ाई भी अपनी जगह पर, जिंदगी के मजे भी अपनी जगह। अच्छा एक बार बता दूं, नेटफ्लिक्स का होगा तो मुझे भी दे देना भाई, मैं भी थोड़ा देख लूंगा, चलो मजाक कर रहा था, ठीक है। तो 9 से 11:30 आपको थ्योरी पढ़नी है, 100% आपको थ्योरी पढ़नी है सर। 2 से 4:30 जब हम खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद भाई जो नींद आती है, नहीं आपके साथ नहीं, तो मेरे साथ भी है ये, खाना खाने के बाद भाई पढ़ाई नहीं होती, फिर तो आती है नींद, फोन होना चाहिए हाथ में, बगल में कौन, मतलब अगले सामने दूसरे फोन में कौन होना चाहिए, समझ ही जाओ, नहीं नहीं मैं नहीं भाई, ठीक है। तो 2 से 4 में आपको करना है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सर आपको 2 से 4 में करना है प्रैक्टिकल, ठीक है सर, रोज का 10 दिन का यही है। अब 6 से 8:30 फिर थ्योरी, और 9 से 11:30 प्रैक्टिकल। अच्छा जो बच्चा इसको सुबह लेगा, तो मैं तो कहता हूं सर सुबह वह छोड़ो, आप यही लो 11:30 तक पढ़ो आराम से, उसके बाद सर थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। सबसे पहले सुबह के टाइम में आपको पढ़े, आप पढ़ना लॉ, फिर दिन में पढ़ना मैथ, थ्योरी, थ्योरी में आपको पढ़ना है इसके बाद इको या फिर मैनेजमेंट, जो भी आपका सिलेबस है इसके अंदर, और प्रैक्टिकल आर एन, रात को पढ़ना अकाउंट, मजा आता है अकाउंट पढ़ने में, है ना, आर्ट्स वालों को तो मजा नहीं आता होगा, साइंस वालों को तो नहीं, पर कॉमर्स वालों को तो खूब मजा आता होगा इसको पढ़ने में, मतलब जिंदगी हमारी अकाउंट में ही थी पूरी 11वीं 12वीं। तो अपने हिसाब से प्रैक्टिकल वालों को प्रैक्टिकल में चेंज कर लेना सर, अगर पर मेरा जो शेड्यूल है वो भी मानकर चलना सर, यही ऐसे यही फॉलो करना, क्यों चेंज करना, जो मैं करवा तो रहा हूं, जो करना वो करो। तो सुबह 9 से 11:30 ढाई घंटे लॉ पढ़ेंगे, हाँ ढाई घंटे लॉ पढ़ने से लॉ पढ़ी नहीं जाती है, घंटे में नींद आती है, भाई सुबह के टाइम में सो के आया हुआ है तू, ठीक है आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लॉ पढ़ो आराम से, मैथ पढ़ेंगे, इको मैनेजमेंट, फिर अकाउंट, ठीक है सर। अब जरी बात ध्यान समझना, जब आप पढ़ने बैठो सबसे पहली बात यार कहीं ना एक रूम में ऐसा बैठना जिसमें ना जरा साउंड ज्यादा आवाजें वगैरह ना आए, या तो आप 10 दिन की लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो सर, वो बेनिफिट रहता है, पर लाइब्रेरी ज्वाइन करने पे हमारे यहाँ क्या करेंगे, तो मैं कहता हूँ लाइब्रेरी भी ज्वाइन ना करो, बस आप क्या करो, आप 9 से 11:30, 2 से 4:30, 6 से 8:30 और 9 से 11:30 आपको इस केस इस टाइम पे क्या करना है, एक जगह लेनी है, और सबसे पहले भाई ये फोन को ना आग लगा देना, ठीक है भाई, आग लगाने का मतलब ये है कि भाई ये फोन को ना साइड में रख देना कहीं पर, तभी हो पाएगी पढ़ाई, नहीं तो पता क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये फोन है, ये फोन है सर, जैसे कि ये फोन है, और ये फोन में ऐसे करके ना, ऐसे करके यहाँ पड़ा है साइड में, बैठ में पड़ा हुआ है, और वो पढ़ने में बड़ी ध्यान से पढ़ रहा हूँ, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, अच्छा ये है, और जैसे ही फोन में नोटिफिकेशन आई, नजर घूम, तेरी किसकी है, तेरा देखो, अच्छा देख लेते किसकी है, अच्छा ये मेरे साथ होता है, हाँ ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, या आपके साथ तो होता ही होता है, साथ में मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अगर फोन साइड में है तो उल्टा रख देता हूँ साइलेंट करके, वो भी वाइब्रेट हटाकर, अब आता रहा है फोन, अब ये होता है कि भैया चलो देख लेते हैं किसका मैसेज आया, अच्छा चलो एक बार फेसबुक खोल लेते हैं, देख लेते हैं। देखो पहली बात तो सर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह डिलीट नहीं करना, ऐसा कुछ होता भी नहीं है डिलीट करने से, ना आप पढ़ सकते, आपको क्या करना है, या तो आप फोन को कहीं और कमरे में रखो और खुद किसी और कमरे में बैठो, या तो भैया फोन स्विच ऑफ करो, ज्यादा भी इतना बिजी नहीं है, ऐसा कर लो आज जाकर, आज ना बैठकर आराम से बातें मार लेना, और कह देना भाई 10 दिन है, अच्छा मैं तो वो भूल गया एक बात बताना कि
वो लड़का और वो लड़की जो सीएमए है कर रही है दोनों के दोनों, और दोनों आपस में लगे हैं बात कर रहे हैं, उनकी तो लाइफ सेट है यार भाई साहब। लड़का भी सीएम है, लड़की भी सीएमए कर रही है, मतलब सही है ना। चलो तो मैं कह रहा हूं कि सर पहले बात तो फोन आप साइड में रखो और खुद दूसरे वाले कमरे में जाओ, ये बात ऐसे मानना, ऐसे करना। 11:30 के बाद खूब फोन चलाना मेरी तरफ से, ठीक है? 2 से 4:30 के बाद 6 बजे तक खूब फोन चलाओ। 8:30 से आधा घंटा इधर फोन मत चलाना, दिखा लेना, क्योंकि अगले बार ही पढ़ना है। तो यहां पर हमने कहा कि देखो कैसे पढ़ना है, पहले थ्योरी पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, फिर मैथ, फिर इकोनॉमिक्स, फिर अकाउंट्स पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है, मेन बात क्या आती है, पढ़ना क्या है सर? ध्यान समझे, जो पढ़ना है आपको फोन साइड में रख के पढ़ना, किसी और कमरे में पढ़ना, डिस्टर्बेंस मत होना, ऐसा बोल तो करना, प्रिंसिपल पहले बोल देना जो भी है घर पे, भैया 2.5 घंटे डिस्टर्ब नहीं, 2.5 घंटे के बाद बोल देना जो कहना है, ठीक है? 2.5 घंटे तक, क्योंकि हर शेड्यूल 2.5 घंटे का है। तो ऐसे में हमने कितने घंटे पढ़ लिए बता आपको, 10 घंटे पढ़ लिए एक दिन में। हाँ 10 घंटे, आज तक 2 घंटे नहीं पढ़े हमने, 10 घंटे तो दूर की बात है भैया, 2 घंटे में निकाल दिया हमने तो। मैं तो कह 2 घंटे में 12वीं निकाल दी, तो सर ये 12वीं नहीं है, प्रोफेशनल है सर। 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा पेपर के टाइम पे, क्यों? क्योंकि आपने जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे रेगुलर बेसिस पे आप पीछे 8 महीने 7 महीने पढ़ा है, वो 10 घंटे और 8 महीने वर्थ है, बेकार है, वो वेस्ट है वो 8 घंटे। क्यों? वो 8 महीने जो पढ़ाई करी आपने पीछे पढ़ा है वो वेस्ट है, जब तक आपने यहाँ पर ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी। रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या पढ़ा आपको पता ही नहीं, रिविजन करोगे तभी तो आएगा, पूरा रिवाइंड होगा, इसलिए रिविजन करना बहुत जरूरी है। आज मैं पूरा आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अब मैं भी टाइम लगा रहा हूँ, आप भी टाइम दो यहाँ पर पूरा, और मेरी बात सुनते रहो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है सर? तो यहां तो समझ में आ गया कि हमें कैसे पढ़ना है। आप देखते हैं कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है सर, इधर आओ मैं आपको बताता हूं। आपको मैंने दो चीज डाउनलोड करवाई थी, एमटीपी है ना सर, एमटीपी डाउनलोड कराया था मैंने आपको। अब मैंने कहा कि भाई इधर क्या करना है आपको, इधर क्या करना है, पहले आपको करनी है एमटीपी कंप्लीट, 12 एमटीपी कंप्लीट करनी है सर। कैसे करनी है हमें, 12 एमटीपी कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको बताता हूं एमटीपी में पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है। इधर देखो, एमटीपी के अंदर आपको पढ़ने हैं एमसीक्यू, आपको पढ़ने हैं मैचिंग, आपको पढ़ने हैं एमसीक्यू, आपको पढ़ने हैं मैचिंग, आपको और क्या पढ़ना है एमटीपी में, एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा जिस बच्चे ने कर लिया है दोबारा कर भाई, दोबारा कर, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करो भाई, एमटीपी, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने हैं, हाँ नहीं पढ़ने, पढ़ने नहीं है, पढ़ मत लेना क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने सर, क्वेश्चन आंसर पढ़ने नहीं, एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स बस। अकाउंट के क्वेश्चन भी नहीं करने, उसके भी नहीं करने, किसी के नहीं करने, क्वेश्चन आंसर करने ही नहीं है एमटीपी में से, ठीक है सर? कुछ नहीं करना सर। मैथ का बताओ, मैथ का, मैथ में भी यही, वो 4 नंबर के जो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन आएंगे वो करना ही नहीं, नहीं करना सर। मैचिंग जो बोला है वो मानो, मैं आपको बता रहा हूं 100% पास होकर दिखाऊंगा, दिलाऊंगा आपको मैं, अगर आप ढंग से मेरी बात को मानोगे, मैचिंग एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, बस बस इतना ही करना है। 60 नंबर कर रहे हो आप हर दिन, कितना कर रहे हो, 40 छोड़ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दिया 40। एमसीपी, एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, बस और बस, क्वेश्चन आंसर नहीं करने, चाहे वो मैथ हो चाहे अकाउंट। अच्छा मैथ के एमसीक्यू कर रहे हैं भाई, वो क्वेश्चन, हाँ ठीक है जी, चलो यहां तक ठीक है। मैंने एमटीपी में क्या बोला मना करने को, क्वेश्चन आंसर मत करना, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो कॉस्टिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट, चाहे इको, चाहे मैथ है, चाहे लॉ है, क्वेश्चन आंसर किसी के नहीं। इधर आओ, हमारा जो पूरा गोल रहेगा, पूरा हमारा जो गोल सेट है वो है स्टडी प्लान में, पहला 2.5 घंटे हमने एक हर सब्जेक्ट को दिया, कितने घंटे दिया सर, 2.5 घंटे सब्जेक्ट को। हमारे पे 12 एमटीपी है, हमारे पे कितनी एमटीपी है सर, 12 एमटीपी है और 6 पेपर है, किसके, स्कैनर के, 12 एमटीपी और 6 पेपर, 18 18। हमें एक दिन में एक पेपर के 3 एमटीपी सॉल्व करने, कितने, 3,
और तीन में क्या पूरा पेपर नहीं, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा हूं, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैचिंग, तीन पेपर एक दिन के अंदर सॉल्व करने हैं एक पेपर के। तो अगर एक पेपर के तीन पेपर सॉल्व करते हैं तो मान लो यहां पर मैंने अकाउंट्स के सबसे पहले लॉ आता है, लॉ के तीन एमटीपी करें, सेम है जी अकाउंट के तीन, उसके तीन तो चार दिया 12, एक दिन में 12 पेपर खत्म कर दिए मैंने। एक दिन में कितने पेपर खत्म कर दिए सर? 12 पेपर खत्म कर दिए एक दिन में मैंने, ठीक है। तो तीन एमटीपी एक सब्जेक्ट की एक दिन में 2.5 घंटे के अंदर करनी है आपको, ठीक है सर। कितने पेपर थे टोटल? टोटल आपके हमारे पास टोटल पेपर थे सर, एक सब्जेक्ट के 18 पेपर थे हमारे पास टोटल। ये तो हो गया 12 तो एमटीपी हो गए और 6 आपके पास वो हो गए, तो एक सब्जेक्ट के 18 पेपर है हमारे पास। तो एक सब्जेक्ट के 18 पेपर है, तीन पेपर एक दिन में कर रहे हैं तो 6 दिन में 18 पेपर हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के। तीन यहां करेंगे, तीन यहां करेंगे, तीन यहां करेंगे, तीन यहां करेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहां पर सर, यहां पर मेरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? यहां पर मेरा कंप्लीट हो जाएगा एमटीपी कौन से 2019 से लेकर 17 से लेकर 19 तक के जितने भी एमटीपी थे सब खत्म हो जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर को छोड़कर। क्लियर है? नहीं हो रहा सर? क्वेश्चन आंसर नहीं करना, नहीं करना, अभी नहीं करना, मैं बताऊंगा जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। पूरी वीडियो देख ली अभी तक, यहां तक तो सब सुना ना, ये भी सुनो अच्छे से। एक दिन में तीन पेपर एमटीपी करने हैं और सिर्फ क्या करने हैं? एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। आओ अब एमटीपी में करें कैसे। मुझे लॉ के तीन एमटीपी करने हैं, लॉ के कितने एमटीपी करने हैं? तीन एमटीपी, ठीक है। कितने घंटे के अंदर? 2.5 घंटे के अंदर। यहां तक क्लियर है? लॉ के तीन एमटीपी करने हैं 2.5 घंटे के अंदर। इसका मतलब आप ज्यादा ध्यान सुनना, आपको कैसे करना है, एक एमटीपी को एक एमटीपी उठाना बुक, उसमें आंसर डाउनलोड मत करना, आंसर भी साथ में डाउनलोड कर लेना कि देखते हो कि भाई आंसर सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। एक एमटीपी उठाना, उसमें के क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल ध्यान से और उसका आंसर लिखना, ठीक है। फिर एक एमटीपी उठाना, क्वेश्चन लिखना, आंसर ध्यान से पढ़ना, एक एमटीपी क्वेश्चन करना है और तो तीन बार तो लिख कर करना है, ठीक है। एक एक एमटीपी उठाया, लिख लिख कर सॉल्व कर दिया कि भाई अगर मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल एलिमेंट है, कौन कौन सा, ये है ये है ये है, इसका आंसर ये था ए, तो मैंने एक आंसर लिखा और आंसर में लिख दिया यहां पर ये है भाई आंसर, ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट का आंसर ये रहा, ऐसे करके, तो ऐसे करके लिखना है सिर्फ आंसर 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 लिखना है। और ऐसे करके कितने पेपर सॉल्व करने? तीन पेपर सॉल्व होने के बाद ये तीनों पेपर आपके एक घंटे के अंदर सारे सॉल्व। और फिर 1.5 घंटा क्या करें? फिर दोबारा तीन पेपर करो, फिर दोबारा ये तीन पेपर। ऐसे नहीं करना कि एक पेपर तीन बार कर लेते हैं, ना, एक टाइम पर तीनों कंप्लीट करो, फिर लिखकर, फिर एक टाइम पर तीनों कंप्लीट करो, फिर लिखकर, और फिर एक घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में आपके 2 टाइम हो गया, और तीसरे टाइम पे 1/2 घंटे में पूरा तीनों पेपर करें सिर्फ पढ़कर। क्या बोला? लिख देता हूं। फर्स्ट टाइम तीनों पेपर करने हैं लाइन से लिखकर, पहले 1 घंटे में हो जाएगा, आराम से होगा 1 घंटे के अंदर भाई, 60 है बस, लिख लिखना है, ऐसे लिखना है और खत्म। पहले 1 घंटे में, 2 घंटे में सेकंड वाले पे फिर तीन पेपर करना है लिखकर, और 3 घंटे में सिर्फ लर्न करना है, एक बार पढ़ना है, पढ़ लिया तीनों पेपर, ऐसे करना है तब 2.5 घंटे कंप्लीट हो गए, बस मजा आएगा आपको करने में, देखना। और ऐसे 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 करके सारे पेपर ही करने एक दिन के अंदर, फर्स्ट टाइम में लिखकर, दूसरे टाइम में लिखकर, और तीसरे टाइम पे याद कर, ठीक है सर। याद करके अंदर सर एक बार पढ़ना है बस, उसको जो हम लिख कर करा था उसको एक बार इसका आंसर ये फोन में लेना, इसका आंसर अच्छा ये पढ़ लिया। देखो एक होता है पढ़ना ढंग से, देखो आपने जब 2 बार कर लिया होगा वो आंसर भी रट जाएगा, अब इसका आंसर तो ये है, इसका आंसर इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट था, इसके बाद एग्रीमेंट था, नहीं ऐसे नहीं करना। तीसरी बार जब आप पढ़ोगे ना सर, उसको पढ़ते टाइम भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आपको आएगा ना आपको कंफ्यूज कर देगा कि भैया
क्वेश्चन भी आंसर क्या होना चाहिए, चारों आंसर ठीक लगेंगे आपको, ऐसे कंफ्यूज कर देगा आपको। इसलिए जब तीसरी बार पढ़ो तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर देना है उसका, उसी वक्त लिखना नहीं। समझ में आ गया? तो ये आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके आपको पूरे 6 दिन 18 एमटीपी 18 पेपर एक दिन में कंप्लीट, एक पेपर के 18 पेपर कंप्लीट करने हैं, एक सब्जेक्ट के 18 पेपर, एक सब्जेक्ट के 18, एक सब्जेक्ट के 18, एक सब्जेक्ट के 18, इतने सारे पेपर हम कंप्लीट करने हैं। कितनी तारीख तक? 5 तारीख, 4 तारीख तक, 4 ही तो हो गया ना, कब से 29 30 1 2 3 4 4 तारीख तक। अब 5 6 7 8 इस 4 दिन में क्या करें, इस 4 दिन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। इस 4 दिन के अंदर हमें हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, इस 4 दिन के अंदर हमें एमटीपी में से क्वेश्चंस करने हैं, और उनमें लगेगा टाइम, उनमें लगेगा टाइम 2.5 घंटे में, हो सकता है एक पेपर हो, 2.5 घंटे में हो सकता है एक पेपर हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक दिन 2019 का पेपर खत्म, जून और 18, कौन सा वाला 2019 के पेपर करना है, जून का एमटीपी, एमटीपी किसका, जून का, और सॉरी दिसंबर का एमटीपी साल का, और जून का एमटीपी, जून का एमटीपी करना है सर, और 2019 के जून का पेपर करना है, पेपर करना है, आप समझ में क्या बोला, पेपर करना है क्वेश्चन के, 2018 का पेपर करना है, पेपर करना है सर, एमटीपी नहीं, मैंने कहा जून की एमटीपी। अच्छा इसमें दो एमटीपी है, कोशिश करना दो हो जाए, अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना कि दो एमटीपी जो दोनों से होती है दिसंबर वाली हो जाए, ठीक है। इधर तो एक एक पेपर होगा, पूरा पूरा पेपर करना है, इधर फुल पेपर करना है, दोबारा फुल पेपर विद एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, फुल पेपर करना है, तो 3 घंटे का होगा पेपर, फुल पेपर 3 घंटे का होगा, नहीं होगा 3 घंटे, आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा, क्यों, ये 2019 के 2018 के पहले भी कर चुके हैं एमसीक्यू फिलिंग, रट गए होंगे ढंग से, 3-3 बार लिखा था, रट गए होंगे ढंग से, तो ये जो 60 नंबर के है ना आपके, ये 60 नंबर का 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा, 1.5 घंटा बचेगा आपके पास 2.5 घंटे होने में, वैसे 2 घंटे बचते हैं पेपर में, 1.5 घंटे में आपका पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, जो ये 5 दिन लॉ के अंदर, सर पूरा समझ में आ रहा है, मैं दोबारा बना देता हूं, मैं क्या करना है आपको, फर्स्ट 6 डे, पहले 6 दिन में आपको क्या करना है, एमटीपी करनी है ईच पेपर, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट के, ईच सब्जेक्ट के 3 पेपर, पहला लिखकर, दूसरा लिखकर, तीसरा याद करकर, पहले 6 दिन ये करने हैं, एक सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट के 18 पेपर कर दोगे एक सब्जेक्ट के, समझ में आ रहा है। दूसरे 4 दिन बचे मेरे पे, 4 दिन आपको करना है, पहले दिन आपको करना है 2019 के एमटीपी पूरा कंप्लीट, फुल कर लेना बच्चे, फुल कर लेना अच्छा रहेगा, दोनों दिसंबर के दो एमटीपी आते हैं, दोनों कर लेना पूरे के पूरे, 2019 के एमटीपी जून वाले दोनों कर लेना, और ये हो गया 5वें दिन, चौथा पांचवा, 5 तारीख को डेट थी ना, 5 को, 6 को, 7 को आपको क्या करना है, 2019 में जून का जो पेपर था फुल करना है, फुल करना है, और 2018 में दिसंबर का जो पेपर था वो फुल करना है। कहां से मिलेंगे सारे पेपर, देखो इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड करना है आपको, जिस बच्चे ने डाउनलोड कर लिया वो सेंड कर दे कृपया करके, ठीक है, ठीक है सर, ये करा। अच्छा सर एक बात यहां पर आती है, एक बार यहां पर आती है, लॉ के अंदर जब आपने कहा 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 7 8 को आपको करने क्वेश्चन, तो यार इको मैनेजमेंट लॉ ये 3 तो छोरी सब्जेक्ट, इसमें तो क्वेश्चन होते नहीं है, सॉल्व करने वाले याद करने वाले, तो इसमें वही क्वेश्चन करने हैं जो मैंने दिए थे, जो मैंने दिए थे वही क्वेश्चन आपको याद करने हैं इसके अंदर, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, ठीक है सर, यहां समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो क्वेश्चन देखो आपको मैं करता हूं, एमटीपी में ऐसा आया, एमटीपी में आया, और एक क्वेश्चन ऐसा दिख गया, एक क्वेश्चन ऐसा दिख गया जो भैया सर ने हमें नहीं दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ही नहीं, छोड़ दो, 4 ही तो करने हैं, 4 करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है सर, तो अच्छे से आपको करना है। आगे आ गई 8 तारीख, 8 तारीख खत्म हो गई, सॉरी 8 तारीख खत्म हो गई, 9 तारीख आ गई, और 10 को पेपर है पहला। सर पेपर वाले दिन क्या करना है आपको, 9 तारीख को क्या करना, पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस किसका, पूरा सिलेबस क्या क्या, पूरा सिलेबस स्टडी मटेरियल में से, पूरा सिलेबस स्टडी मटेरियल में से सिर्फ और सिर्फ
क्या करने हैं, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप पूरा स्टडी मटेरियल, जैसे इको और मैनेजमेंट का पेपर है तो पहले एक बजे, पहले सुबह 9 बजे बैठोगे और 2 बजे तक पढ़ोगे, 9 से 2 बजे तक पढ़ोगे और 9 से 2 बजे तक। चलो ये ना मैं आपको बाद में बता दूं तो चलेगा, चलो अभी बता देता हूँ कैसे करना। पेपर कितने आपको करना, जब अगले दिन पेपर होगा तो 9 से 2, पहले वाले पेपर में ज्यादा एक दिन की छुट्टी मिलेगी है ना, उसके बाद तो छुट्टी नहीं, उसके बाद तो रेगुलर है, तो पहले वाले पेपर की बात कर रहा हूं मैं। 9 से 2 आपको क्या करना है, पहले पहले आपने 9 तारीख की रात, 9 तारीख की सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आपके पूरी बुक के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सारे कंप्लीट कर लेने हैं। फिर आपको 4 बेट बनाना और 4 से 8 बजे तक आपको क्वेश्चन 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 जोन जोन से आपको लगता है कि एक बारी में नहीं हो पाएंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो करना है बस, जो लगता है कि कैलकुलेटर में 16 है वो नहीं करना, क्वेश्चन क्वेश्चन। अच्छा अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो याद करने जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, जो 7-7 बार 6-6 बार पेपर में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन याद करने सारे के सारे। अच्छा अब तो बात कर ली, 10 को पेपर दे दिया, 10 को पेपर देने के बाद अब आपका 10 का पेपर है मान लो, और 10 को आप आओगे शाम को 2 बजे जाओगे, ठीक है, तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपको फिर दोबारा एमसीक्यू पढ़ने हैं। क्या पढ़ने सर, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, कौन से वाले, सिर्फ स्टडी मटेरियल वाले, कौन से वाले सर, सिर्फ स्टडी मटेरियल वाले। पेपर के टाइम पे स्टडी मटेरियल ले जाना वहां पर, सिर्फ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स टिक लगा देना, जिस दिन 9 तारीख होगी ना, 9 तारीख को जब आप उसमें टिक लगाते जाना आंसर में, अभी तक आपने टिक लगाया होगा ठीक है, नहीं लगाया होगा तो टिक लगा देना कि उसी वक्त आपको आंसर देखो, बार बार पीछे पढ़ना ना घुमाना पड़े। अब मैं बता रहा हूँ पेपर वाले दिन, जिस दिन पेपर है 10 तारीख को, तो उस दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपको पूरे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू पढ़ने हैं। सर आपको ऐसा रटेगा, ऐसा रटेगा, इतने से तारीख से एमसीक्यू करके वह आ रहे हैं, पूरे 10 दिन यही करा है एमसीक्यू फिलिंग, ऐसा रटेंगे 60 में से 60 आएंगे, और जैसे 60 आए एग्जम्पशन पेपर के अंदर, अब थ्योरी तो छोड़ो क्वेश्चन तो छोड़ो करने की, 60 में से 60 यही लाएंगे, 50 तो आएंगे, 60 नहीं आए तो 50 आएंगे, इतना रटवा दूंगा आपको मैं। रटवाने का मतलब यह है कि इतना लिख लिख के रट लेंगे, याद कर लेंगे ढंग से। तो 9 तारीख की 10 तारीख को जिस दिन पेपर उस दिन 9 बजे एएम सुबह बैठना, और 9 से 12 क्योंकि 2 बजे जिसका पेपर दूर है वो 11 बजे फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाए सर, तो आपको 9 से 10 10 से 11 3 घंटे आपको सुबह पढ़ने हैं। अब आप जब मर्जी पढ़ो, वो 8 बजे से पढ़ो, वो 7 बजे से पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, 3 घंटे पढ़ने हैं, और 3 घंटे में आपको स्टडी मटेरियल के लिख कर नहीं, सिर्फ ऐसे रिवाइज करना है, जल्दी से रिवाइज करेंगे वहां जाएंगे, वहां 12 बजे वहां बैठकर पेपर के सामने आगे बैठोगे तो 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे। पहले दिन मुझे पता ही है, सर कोई पहले दिन पहले जल्दी आना चाहता है, जाओगे ना, बात ही मत मानने लग जाना, क्या आएगा, साइड में बैठ कर ना अपना पढ़ लेना, क्योंकि यही वो टाइम है, अभी 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 पढ़ेगा ना, अभी अभी लिख कर आ जाओगे। और जब आपके पास पेपर हाथ में आएगा ना 2 बजे, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर में टिक मत लगा देना, पेपर फाड़ के फेंक देंगे वहां पर, क्वेश्चन पेपर टिक नहीं लगाना, क्या करना आपको, पेंसिल ले जानी है और ना बिंदु 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 करके लगा दे, अब देख ले आज देख ले, टिक लगाना है ना तो देख लेगा, बिंदु बिंदु लगा देना ध्यान से, जल्दी 15 मिनट आपको क्या मिलेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने को, पढ़ना मत करो, करो कैसे करो, बिंदु लगा देना हर जगह पेंसिल से, पेंसिल कहीं अरे ये रहा, ये स्टार, ये मजे ले लिया यहाँ पर थोड़े, जहां जहां पर आपके आंसर होगा ना वहां कुछ ऐसा रख देना छोटा सा जो आपको होगा यही आंसर है, क्योंकि अभी पढ़ के आए हो बस, अभी कर देना आंसर, बाद में याद रहे ना रहे भैया अभी कर लेते हैं ना, तो बिंदु बिंदु लगा देना, कुछ भी ऐसा कर देना जिसको छोटा सा हो और वो आंसर हो जाए, पेपर में टिक ना लगाए, कुछ ना करे, ना लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, बस जैसा वो कहेंगे, जितना वो कहेंगे लिखने को उतना लिखे, फाड़ के फेंक देंगे पेपर आपका, ठीक है। इसलिए क्या करना, सिर्फ बिंदु बिंदु लगाना है बस, वहां पर याद रहे कि हाँ भाई ये कुछ बाद में ना भूल जाओ, क्लियर है सर। तो आपको 9 तारीख को तो ये करना है, 9 तारीख को करने के बाद 10 को आपको 2 बजे पेपर दोगे, 2 बजे पेपर देने के बाद 5 बजे और घर पहुंचते पहुंचते आपके 8 बज जाएंगे, घर पहुंचते पहुंचते क्या बचेंगे, 8, खाना वाना खाया, 3 घंटे आपके एमसीक्यू पढ़े, 3 घंटे क्या पढ़े सर, एमसीक्यू, सुबह मॉर्निंग उठा फिर 3 घंटे एमसीक्यू पढ़े, क्वेश्चन मत करना सर, जितने क्वेश्चन करने थे कर लिया, बस एक बार देख लेना क्वेश्चन को इन्हीं 3 घंटों के अंदर कि ये सभी क्वेश्चन होता है बस, समझ में आ रहा। और ऐसे शेड्यूल आपको अपनाना है पूरा 10 दिन, पूरा घंटा लगा दिया हमने सीखते हुए, थोड़ा सी मजाक भी करा बीच में, बट हमने ये कसम है तुम्हारी मम्मी की कि तुम ये फॉलो करोगे किसी भी हालत में, ठीक है सर, जरूर फॉलो करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट जरूर कर बताना कि सर क्या मेरी मेहनत जो मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ वो सही भी कर लग रही है, हो रही है ये मेहनत या ऐसी। अगर आप वही बच्चा कमेंट करेगा जिसने एंड तक वीडियो देखी है, नहीं तो कोई बच्चे तो आधे में भाग जाता है कि आप बकवास कर रहे हैं सर, खा मगा टाइम पास कर रहे हैं हमारा 1 घंटे से। मैं जब भी ये लास्ट चीज में बोलता हूँ क्योंकि बच्चे को कमेंट करने को कि भाई लास्ट में मुझे पता चल जाता है किस किस ने वीडियो देखी, किस किस ने, अब मैं देखना चाहता हूँ और मुझे बताओ नीचे कमेंट करके सर हमने पूरी वीडियो देखी है एंड तक और हमने पूरा लिखा है ये मुझे बताओ लिखकर सर,
मैं भी देखूंगा कितने कमेंट आते हैं और कितने बच्चे हैं मेरे साथ जो सीएमए फाउंडेशन में सच में इसको मानते हैं और सही में इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। और बताओ सर मैं ये फॉलो करूंगा, आपने जो कहा वैसे ही फॉलो करूंगा और मैं कुछ नहीं पढ़ा स्टडी मटेरियल, जैसा आपने कहा एमसीक्यू मैं डाउनलोड कर रहा हूं आज ही। और बाबू सोना सही बात करना छोड़ रहा हूं, ठीक है सर। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाय बाय।